कश्मीर घाटी जो है वो एक अंतर पर्वतीय घाटी है, मतलब अंतर पर्वतीय घाटी मतलब जो घाटी चारों ओर से पर्वत से घिरी हुई हो उसे हम अंतर पर्वतीय घाटी कहते हैं। आप इस पिक्चर के माध्यम से देख भी पा रहे होंगे। तो जो झेलम नदी है वो सर्पाकार मार्ग से बहती हुई जम्मू कश्मीर के विशाल जो मीठे पानी की झील है, जिसे आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे, बुलर झील, इससे होती हुई ये बहती है यहीं कश्मीर घाटी में ही। अब हम देखें ऐसी घाटी के अलावा हिमालय में जो है वो अनेक हिमनद भी मिलते हैं। हिमनद मतलब जिन नदियों में, या हम कहें जिस मार्ग से ग्लेशियर के मार्ग से, या हम कहें कि हिम के माध्यम से बर्फ, छोटे छोटे बर्फ के जो टुकड़े हैं वो खिसकते हुए सरकते हुए आगे बढ़ते हैं, उसे हम हिमनद कहते हैं। हिमालय में ऐसे अनेक हमको हिमनद देखने को मिलते हैं, और सबसे बड़ा जो हिमनद है यहाँ वो गंगोत्री है, और इसकी लंबाई 32 किलोमीटर है। और ऐसे हिमनद जो होते हैं उनका जो स्रोत होता है, मतलब जहाँ पर से हिम उन्हें मिल रहा है, हिमखंड उन्हें मिल रहे हैं, वो ऐसे ही कुछ ग्लेशियर्स जो होते हैं, हिम क्षेत्र जो होते हैं, वो इन हिमनदों के सोर्स होते हैं, स्रोत क्षेत्र होते हैं। हिमनद अत्यधिक ठंडे प्रदेशों अथवा ऊंचे पहाड़ों पर पानी की बजाय हिम की वर्षा होती है, यानी हिमपात होता है। इस वर्षा में हिम जो है वो धुनी हुई रुई की तरह गिरता है, लेकिन जमीन पर गिरने के बाद दबाव के कारण सघन हो जाता है और इसका कुछ अंश कठोर बर्फ का रूप ले लेता है। हिम क्षेत्र से बर्फ नीचे की ओर ढाल के सहारे खिसकते रहते हैं। इस खिसकते हुए बर्फ को हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं। तो हमने हिमनद की बात की, तो हम देखते हैं जब बहुत अधिक ऊंचाई में पहाड़ी किसी पर्वतीय क्षेत्र में जब वर्षा जो है वो पानी की बजाय हिमखंडों के रूप में या हिम टुकड़ों के रूप में होते हैं, तो वो उस पर्वतीय ढालों के सहारे जो ये हिमखंड हैं वो जब धरातल पर गिरते हैं तो वो और दबाव के कारण संगठित हो जाते हैं और कुछ उसके पार्ट जो हैं वो कठोर हो जाते हैं। फिर इन पर्वतीय ढलानों के सहारे ही ये सरकते हुए नीचे की तरफ जाते हैं, जिसे हम हिमनद कहते हैं। बच्चों, अभी हमने बात की थी कश्मीर घाटी के विषय में, और इस कश्मीर घाटी के संबंध में हम थोड़ी बातें जान लेते हैं। कश्मीर घाटी जो है ये इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1850 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है, और अभी हमने कहा कि ये अंतर पर्वतीय घाटी है, मतलब चारों ओर से पर्वतों से घिरी हुई है। कश्मीर घाटी, इसे हम झेलम घाटी के भी नाम से जानते हैं, और ये लगभग 135 किलोमीटर लंबी है और 32 किलोमीटर चौड़ी है। इस पर्वत मध्य मैदान जो है, या अंतर पर्वतीय घाटी जिसे हम बोल रहे हैं, इसका निर्माण झेलम नदी के द्वारा हुआ है। लेकिन ये भी तो आश्चर्य की बात है कि इन पर्वतों के बीच में जो मैदान है इसका निर्माण कैसे हो गया। तो ये मान्यता है, या वैज्ञानिकों का ये मानना है कि सबसे पहले यहाँ पर, जहाँ पर अभी कश्मीर घाटी मिल रही है, वहाँ पर पहले एक झील हुआ करती थी, और ये झील जो है ये पहाड़ों के बीच में थी, और कुछ जो भूगर्भिक हलचलें थी उसके कारण इस झील में दरार पड़ गई, और झील का जो पानी है वो तो बाहर चला गया, लेकिन उनके अवसाद में दबाव पड़ने के कारण, जो अवशेष वहाँ पर बचे हुए थे उनमें दबाव पड़ने के कारण जो है ये घाटी का निर्माण हुआ। और इसमें जो अवशेष रूप में, उस झील का जो अवशेष है वो आज भी वर्तमान में हमें डल झील के रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है। ये डल झील जो है, ये ऐसा माना जाता है कि उस झील का ही एक अवशेष रूप यहाँ पर है। अब हमें मालूम है कि कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, वो भी इसी डल झील के ही किनारे बसा हुआ है, आप सभी को पता है। और ये घाटी जो है वो एक प्राकृतिक छटा, प्राकृतिक सौंदर्य, और इतना अधिक इस घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य है कि हम इसे कह भी रहे हैं कि इसे
पूरे धरती का स्वर्ग हम कहते हैं। और ये घाटी जो है ये हमने कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है, पर्यटकों के लिए जो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं ये एक आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। अब इस घाटी में जो हमने डल झील की बात की थी, ये डल झील जो है यहाँ पर कुछ तैरते हुए नाव या हम जिसे कहते हैं यहाँ पर जो तैरते हुए नाव हैं उनमें घर घर के रूप में मिलते हैं, जहाँ पर सारी सुविधाएं होती हैं। और इन तैरते हुए घर को, तैरते हुए नाव में घर जो मिलते हैं इन्हें हम हाउस बोट के नाम से जानते हैं, जो यहाँ रहने वाले लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन है। इसके अलावा यहाँ पर यहाँ के जो प्रमुख हस्तशिल्प जो उद्योग हैं, जिसमें आपके कालीन उद्योग हम कहें या अखरोट की लकड़ी के फर्नीचर, बुनाई का कार्य और कश्मीरी जो आपकी पश्मीना शॉल आती है, इससे तो आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। ये सभी जो हैं वो यहाँ रहने वाले लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन है। कश्मीर घाटी ऊंची पहाड़ियों से घिरा है, इसका धरातल तस्तरी नुमा है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। हजारों साल पहले यहाँ बहुत बड़ी झील थी, जिसमें चारों तरफ की पहाड़ियों से कई नदी नाले बहकर आते थे और अपना पानी इसी झील में गिराते थे। ये नदी नाले अपने साथ लाए अवसाद जैसे मिट्टी, गाद, क्ले कई सालों तक झील में जमा करते रहे। पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया के कारण पीर पंजाल श्रेणी ऊपर उठने लगी, जिससे इस झील का पानी बाहर निकल गया और इस पहाड़ी कगारों पर सीढ़ी नुमा खेत बने, जो खेती के लिए काफी उपजाऊ हैं। इसे ही करेवा कहा जाता है। इसे यहाँ की क्षेत्रीय भाषा में वुद्रा भी कहते हैं। कश्मीर घाटी की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें एक शब्द से आपको बहुत अच्छे से परिचित होना होगा, ये आपके अति लघुतरी प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, करेवा। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है। करेवा क्या है बच्चों? अभी हमने चर्चा की थी कि कश्मीर घाटी जो है वो अंतर पर्वतीय घाटी है और इसका जो धरातल है सपाट है, तस्तरी नुमा जिसे हम कहते हैं। और अभी हमने बात भी की थी कि जहाँ पर अभी ये घाटी है वहाँ पर पहले बहुत समय पहले एक झील हुआ करती थी, और जब इस झील में बहुत सारे जो सभी तरफ की जो पहाड़ियों से घिरी हुई थी तो इनके नदी नालों के द्वारा लाकर अवसाद जो जमा किए गए, अवसादों के जमा होने के बाद इसमें धीरे धीरे भूगर्भी हलचलें हुई और इस भूगर्भी हलचल के परिणाम स्वरूप, या हम कहें कि पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप, यहाँ जो पीर पंजाल श्रेणी है ये इसमें ऊपर की तरफ उठने की प्रक्रिया होने लगी, जिससे उस झील का पानी तो बाहर निकल गया और जो इसके कगार हैं इन, चूँकि अभी हम फिर बात कर रहे हैं कि अंतर पर्वतीय घाटी है तो चारों ओर से ये पर्वतों से घिरी हुई है, तो पहले वहाँ झील थी और चारों तरफ से पर्वतीय क्षेत्र से जो नदी नाले हैं उनके अवसाद यहाँ पर लाकर जमा किए जा रहे थे। तो ज़्यादा अवसाद के जमा होने से, दबाव बढ़ने से पानी तो बाहर की तरफ पर्वतों की कगारों से नीचे की तरफ बह गया, लेकिन ये जो पानी बाहर निकल गया और इस पहाड़ी कगारों पर सीढ़ी नुमा खेत बन गए, जो खेतों के लिए मतलब खेती के लिए या कृषि के लिए बहुत हम कहें कि उपजाऊ है या उन्नत है, और इसे ही हम करेवा कहते हैं। तो जो बाहर की तरफ आकर बह जाने से सीढ़ी नुमा खेत बन गए हैं, या कश्मीर घाटी के सभी पहाड़ी कगारों पर, चारों ओर की पहाड़ी कगारों पर जो मिट्टी मिलती है हमें, उपजाऊ मिट्टी, इसे ही हम करेवा के नाम से जानते हैं। और आप कश्मीर या श्रीनगर में केसर से तो आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे, और ये जो हम करेवा की बात कर रहे हैं ये करेवा बहुत चूंकि उपजाऊ मिट्टी होती है और इस उपजाऊ मिट्टी में केसर की जो खेती है वो बहुत उन्नत अवस्था में है, या हम कह सकते हैं कि इन सीढ़ीदार खेतों में जो केसर या जाफरान की खेती की जाती है और केसर के जो फूल होते हैं, इसके केसर के फूल से वर्तिकाग्र को अलग किया जाता है और इसका उपयोग भी जो है वो कई प्रकार की औषधियों को बनाने के लिए किया जाता है। और
मसालों के रूप में, या जब हम स्वादिष्ट खाना तैयार करते हैं जैसे खीर है उसमें हम केसर का प्रयोग करते हैं, ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो करेवा जो है वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी वाला क्षेत्र है इस कश्मीर घाटी के क्षेत्र का, जो इसके पहाड़ी कगारों पर, पहाड़ी ढलानों पर मिल रहा है। और केसर या जाफरान के साथ साथ इसमें ये और अन्य प्रकार की फसलों के लिए भी, उसके उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी होती है। बच्चों, अब हम इसी हिमालयीन क्षेत्र में एक शीत मरुस्थल की बात करते हैं। गर्म मरुस्थल के बारे में तो हम आगे चर्चा करेंगे ही, जो हमारे भारत का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्वरूप है, जो हमारे थार का मरुस्थल है। लेकिन हम अपने हिमालय में मिलने वाले, इसके एकदम उत्तरी छोर में मिलने वाले एक शीत मरुस्थल की बात करते हैं, जिसे हम लद्दाख कहते हैं। लद्दाख आपको पता है बहुत ही ठंडा जगह है, और ये एक मरुस्थल तो है लेकिन ऐसा मरुस्थल है जहाँ की जलवायु जो है वो गर्म नहीं है, बहुत ठंडी है, शीत मरुस्थल है। अब हम ये देखते हैं, यहाँ एक लद्दाख में ही एक व्यक्ति रहते हैं, कीम। अब ये कीम का जो गांव है फे, तो ये लद्दाख में फे गांव के विषय में हम थोड़ी जानकारी इकट्ठी करते हैं कि ये गांव कैसा है, यहाँ घर कैसे होते हैं, और यहाँ पर लोगों के आर्थिक क्रियाकलाप किस प्रकार के होते हैं। ये जो गांव है ये जास्कर घाटी के पेंजिला नदी के किनारे पहाड़ी ढलान पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है, और ये इस गांव में लगभग 80 घर हैं। यहाँ पर जो भी उपजाऊ जमीन है, इस उपजाऊ जमीन में सिर्फ आपके पत्थर, गारे या ईंट, इन सब के छोटे छोटे घर जो हैं इन पहाड़ी ढलानों पर बनाए गए हैं। और ये जो यहाँ पर घर मिलते हैं, इन घरों को खंगपा के नाम से जाना जाता है। इन घरों की छतें जो हैं वो सपाट होती हैं, और सपाट इसलिए रखी जाती हैं क्योंकि इन सपाट छतों का जो उपयोग है वहाँ पर लोग पशुओं के चारे वगैरह इकट्ठे करने के लिए किए करते हैं। चूँकि हम कह रहे हैं कि ये एक शीत मरुस्थल है, इसलिए हमें पता है कि यहाँ की जलवायु बहुत ज़्यादा कठोर है। यहाँ पर लोग जो हैं वो एक समूह बनाकर छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। यहाँ पर जबकि हम शीत मरुस्थल कह रहे हैं, मतलब जलवायु बहुत कठोर है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, इसलिए साल भर यहाँ पर रहने वाले लोगों को गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। यहाँ पर लोग जो गर्म कपड़े पहनते हैं उन गर्म कपड़ों को गोंचा कहा जाता है। यहाँ जलवायु सिर्फ जो है वो शुष्क ही नहीं है, बल्कि गांव में पानी की भी कमी है। मतलब हम उष्ण मरुस्थल की बात करते हैं तो बारिश तो वहाँ भी नहीं होती, पानी वहाँ भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जलवायु जो है वो उष्ण नहीं है, बहुत ज़्यादा शीत है, ठंडी है, और बारिश यहाँ भी नहीं होती, इसलिए यहाँ भी पानी की कमी जो है वो देखने को मिलती है। क्या आप कभी भी बर्फ़ से जमी हुई नदी पर चले हैं? हम यहाँ पर देखेंगे, शीत मरुस्थल की बात कर रहे हैं, तो जब सर्दी का मौसम होता है, ठंड का समय आता है, तो यहाँ पर चूँकि ये अभी हमने बात की थी ना कि पेंजिला नदी के किनारे पहाड़ी ढलान पर बसी हुई है, तो पेंजिला नदी जो है वो ठंड के मौसम में बहुत जम जाती है, और इस जमी हुई पेंजिला नदी को यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो रास्ते के रूप में उपयोग करते हैं। जब एक गांव से दूसरे गांव जाना होता है तो ये एक छोटा रास्ता बना, छोटे रास्ते के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो अपनी कृषि में गोभी है, आलू है, मटर है, गेहूं और बाजरा, इस टाइप की फसलें उगाते हैं, और अधिकांशतः घरों में हम देखेंगे कि इन्हें बाजार में ले जाकर बेचा नहीं जाता, ये खुद ही उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये इतनी ही मात्रा में जो है फसलें उगाते हैं जो इनके खुद के घरेलू उपयोग के लायक होता है। तो घर की जो मूलभूत इनकी ज़रूरतें हैं वो इनसे पूरी करते हैं, और हम पहले भी और चर्चा कर चुके हैं कि जब हम ऐसी कृषि करते हैं जो स्वयं के उपयोग या खुद के घरेलू उपयोग, निजी आवश्यकताओं को बस पूरा करती है, उतना ही उसमें उत्पादन हो रहा है, तो उसे हम निर्वाह कृषि के नाम से भी जानते हैं। अब वर्षा और पानी की कमी और साथ ही कठोर जलवायु,
कठोर जलवायु है, मतलब पूरी वहाँ पर क्या है, अत्यधिक शीत के कारण बर्फ जमी हुई है, तो यहाँ पर साल भर खेती नहीं होती, लेकिन खेती केवल गर्मियों के मौसम में होती है। जब गर्मियों के मौसम में कुछ समय के लिए वहाँ पर बर्फ पिघल जाती है, जमी हुई बर्फ वहाँ की पिघल जाती है, तो मई के अंत से अक्टूबर की शुरुआत तक यहाँ पर जो है वो कृषि का कार्य किया जाता है। अब गर्मियों में जब हिमनद पिघलती है तो बहते हुए जो पानी है वो नालियों के माध्यम से, नालों के माध्यम से बहता हुआ वहाँ पर खेतों तक पहुँचा दिया जाता है। और जो जब सर्दियों के मौसम होते हैं, गर्मियों में तो चूंकि पिघल गई बर्फ तो आपने खेतों तक उसे पहुँचा दिया, लेकिन जब यहाँ पर सर्दियों के मौसम होते हैं तो इन्हें लगभग 1 किलोमीटर दूर चलकर जो सोते होते हैं, जो स्रोत होते हैं पानी के, वहाँ से चलकर पानी को लाना पड़ता है। और कभी कभी तो जो बर्फ होता है उन्हें भी पिघलाकर उन्हें पानी के रूप में उनका प्रयोग करना पड़ता है। ये लोग जानवरों को भी पालते हैं, पशु भी पालते हैं, और प्रमुख जानवर यहाँ पर हम देखें तो याक है, डिमो है, जो है, जोमो, घोड़े, ये सभी जो हैं वो यहाँ के प्रमुख पशु जो हैं वो पाले जाते हैं। तो जब कृषि कार्य कर रहे हैं तो उनसे ये फसलों को उगा लेते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और जब सर्दियों के मौसम होते हैं तो ये इन पशुओं से निकलने वाले दूध और उससे बने जो प्रोडक्ट्स हैं, पदार्थ हैं, और इनकी खालों से या हम कहें कि उनकी बाल से, चमड़े से, इन सब का प्रयोग वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। बच्चों, आपके लिए एक कार्य है, आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षक से चर्चा कीजिए कि अभी जो हमने बात की लद्दाख के फेगांव की, तो यहाँ की जाने वाली जो कृषि है और आपके छत्तीसगढ़ में की जाने वाली कृषि है, इन दोनों में आपको मूलभूत अंतर देखने को क्या मिलता है। तो हम देखते हैं कि जब सर्दियों के मौसम आ जाते हैं तो जब पहाड़ी के ऊपरी शीर्ष पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है तो ये लोग अपने पशुओं के साथ निचली ढलानों पर आ जाते हैं। और जब निचली ढलानों पर आते हैं, कारण ये है कि उनका घर परिवार सब यहीं पर होता है, उनके मकान यहीं पर होते हैं, उनके खेत यहीं पर होते हैं। गर्मियों के कारण अधिक गर्मी से ये पहाड़ के शीर्ष पर चले गए होते हैं, लेकिन जब सर्दियों में अधिक ठंडी पड़ी तो वो फिर से निचली ढलानों पर आ जाते हैं। और हम देखेंगे कि जब सर्दियों के मौसम में खेती का कोई कार्य नहीं होता है, जब कृषि कार्य नहीं होता, तो ये लोग भेड़ बकरियों के जो ऊन होते हैं उनसे महिलाएं जो हैं उनको निकालने का, उनसे वस्त्र बनाने का कार्य जो है वो करती हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे कि ये जो जाति यहाँ पर निवास करती है, इन लोगों का प्रकृति के साथ, इस समुदाय का बहुत गहरा संबंध होता है। प्रकृति के द्वारा उपलब्ध जितने भी संपदा या संसाधन हैं उसे ये ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देते। तो ये हो गई बात लद्दाख में स्थित एक गांव की, या हम कहें कि शीत मरुस्थल में स्थित एक गांव की हमने चर्चा की कि वहाँ लोग कैसे रहते हैं, कैसा उनका पहनावा होता है, उनका रहन सहन, उनका उनकी जो अर्थव्यवस्था है, या हम कहें कि जो उनके आर्थिक क्रियाकलाप, इन सब पर हमने अभी बात की। आइए, जब हम हिमालय की चर्चा कर ही रहे हैं तो एक शीत मरुस्थल के साथ साथ हम हिमालय में स्थित एक पहाड़ी गांव के बारे में भी बात करते हैं कि वहाँ लोग कैसे रहते हैं, उनका आर्थिक कार्य क्या होता है, मतलब अपने जीवन यापन के लिए वो किस प्रकार के कार्य करते हैं, और वहाँ उद्योग धंधों की क्या व्यवस्था है, और कृषि भी करते हैं तो वो किस प्रकार की कृषि करते हैं, और अपने पास उपलब्ध संसाधनों का वो किस तरह से उपयोग करते हैं। तो इस पर हम एक विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। आइए, इसी संदर्भ में आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। ये एक पहाड़ी गांव की कहानी है जो कि स्थित है आपके उत्तराखंड राज्य में, जो उत्तरकाशी जिला है। जब हम उत्तरकाशी जिले से गंगोत्री के रास्ते की तरफ जाते हैं या आगे बढ़ते हैं तो वहाँ एक छोटा सा गांव है वारसू। इस वारसू गांव की यदि हम बात करें तो एक बहुत ही छोटा गांव है, और लगभग इस गांव में 20 से 25 घर ही मिलते हैं।
ये लगभग समुद्र तल से 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये गांव। और हम ये देखते हैं कि जब हम हिमालय में ऊंचाई पर जा रहे हैं या इस पर्वत चोटी पर चल रहे हैं, ऊपर ऊंचाई की तरफ चढ़ रहे हैं, तो पहाड़ी ढलानों पर बहुत ही छोटे गांव मिलते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा सघन बसाहट हमको देखने को नहीं मिलेगी। घर वहीं पर बनाए जाते हैं ढलानों पर जहां पर चौड़ी घाटियां या थोड़ा समतल भूभाग जिन ढलान पर मिलता है, वहीं पर लोग जो हैं वो अपना घर बनाकर रहते हैं। तो ठीक यही स्थिति वारसु गांव के भी साथ है। और यहाँ पर जो घर हैं वो लकड़ी या पत्थर के बनाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे घर होते हैं। और इन घरों की विशेषता ये होती है कि इन घरों की जो छतें होती हैं वो ढलुआ बनाई जाती हैं, ढालू ढाल होता है उस छत में, सपाट छत नहीं होती है। और इन घरों की जो छतें हैं वो ढालू वाली बनाई जाती हैं, ढलान होती है, सपाट छत सपाट और चौरस छत नहीं होती। और इसका कारण ये है कि जब छत को सपाट रखा जाएगा तो हिम बारिश चाहे पानी के रूप में हो या फिर हिम के रूप में, ये यहाँ पर रुक जाएगी। इसलिए ये छतें जो हैं वो ढलुआ ढलान वाली या ढालू पृष्ठ वाली बनाई जाती हैं ताकि वर्षा का जल या पानी के रूप में हो या हिमखंड के रूप में हो, ये इस ढलान के माध्यम से इसमें रुके नहीं और नीचे की तरफ गिर जाए। हाँ, इसमें हम और एक बात देखेंगे कि कुछ घरें जो हैं उनकी छतें सपाट भी होती हैं, और उसका कारण ये होता है कि इस सपाट और चौरस छत में ये लोग मक्का जो होता है उसे स्टोर करके रखते हैं, या उनके पास जो पशु होते हैं उन पशुओं के लिए चारे को वहाँ पर एकत्र करके इकट्ठा करके रखते हैं। इसके लिए ये लोग अपने घरों की छत को सपाट या चौरस बनाते हैं। अब हम ये बात कर ही रहे हैं कि लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर ये घर हमें देखने को मिलता है या ये गांव जो है वो स्थित है, तो चूंकि इतनी ऊंचाई पर है तो हमें मालूम है कि यहाँ पर जलवायु या जो यहाँ की स्थलाकृति होगी वो बहुत ही विषम परिस्थिति वाली होगी। हम ये कह सकते हैं कि लगभग वर्ष में जो एक बार है वो हिमपात तो यहाँ होता ही है, कठोर जलवायु होती है और भूमि असमतल है, ऊबड़ खाबड़ है, इसलिए यहाँ पर कृषि करना भी जो है वो बहुत सरल कार्य नहीं होता। कृषि करना क्या, ये घर भी हमने भी बात की कि जहाँ कहीं भी थोड़ी सी समतल भूमि मिलती है वहीं पर ये अपना छोटा सा घर बना लेते हैं। तो घरों की संख्या भी जो है वो बहुत अधिक नहीं होती और ना ही घर बहुत बड़े साइज के होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हालांकि कृषि तो की जाती है, जहाँ कहीं समतल भूमि मिल जाए इन्हें वहाँ पर ये कृषि कार्य तो करते हैं, लेकिन उसमें हम ये देखेंगे कि ये अनाज की जो उपज होती है, अनाज की फसलें जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं लेते। इन खेतों में सब्जियाँ जो है, जो ये सीढ़ीदार या सीढ़ीनुमा खेत ये जो बनाए होते हैं इन ढलानों पर, उसमें सब्जियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनका उत्पादन देखने को मिलता है। और आपने पहाड़ी आलू या शिमला मिर्च के बारे में तो सुना ही होगा। हम अधिकतर बात करते हैं कि पहाड़ी आलू आ गया है या उसका जो स्वाद होता है, उसका जो टेस्ट होता है, उसकी एक अलग ही बात है। तो ऐसे ही पहाड़ी आलू, शिमला मिर्च, नाशपाती, खुबानी, आलू बुखारा, ऐसे जो सब्जियां या फल होते हैं इनका उत्पादन जो है यहाँ पर बहुत अधिक किया जाता है, क्योंकि ये जो फल हैं वो बड़े पैमाने पर बागानों के रूप में लगाए जाते हैं और जो उत्पादन होता है फल या सब्जियों का उन्हें दूर दूर तक बाज़ारों में बेचा जाता है, और बाज़ार में बेचकर ये इनसे अपनी इनकम लेते हैं और उससे अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि जो वन होते हैं या वनस्पतियाँ यहाँ पर जो मिलती हैं वो सदाबहार प्रकार की होती हैं, सदाबहार वन होते हैं यहाँ, जो अपने पत्ते कभी भी वर्ष में कभी भी नहीं झड़ते इनके पत्ते। और हम ये देखेंगे कि इन पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं उनका भी उपयोग ये अपने जानवरों के लिए चारे के रूप में करते हैं, और इन वनस्पतियों की जो लकड़ी मिलती है उसका उपयोग ये ईंधन के रूप में करते हैं।
अब भोजन तो इनको अपने खेतों से प्राप्त हो ही जाता है और आय के लिए ये लोग मजदूरी भी करते हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कोई जड़ी बूटी जो है इन वनों से, वो जड़ी बूटी के रूप में इन वनस्पतियों से ये जड़ी बूटी इकट्ठी करते हैं और इसे भी दूर बाजार में बेचा जाता है जड़ी बूटियों को बनाकर, और ये इनकी इनकम का एक सोर्स होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पशुपालन और जो लोग रहते हैं तो वो किस प्रकार का पशुपालन करते हैं। इसी संदर्भ में हम बात करते हैं, जो वारसू गांव की चर्चा हम कर रहे थे, इस वारसू गांव के आसपास गांव में एक जाट समुदाय जिसे गड़रिया हम कहते हैं, ये निवास करता है और इनका मुख्य व्यवसाय जो है वो भेड़ और बकरी पालन है। गर्मी के दिनों में हम देखेंगे कि हिमालय के जो ऊपरी हिस्से होते हैं वहाँ पर जब बर्फ पिघलती है तो बहुत ही हरे और रसीले घास जो हैं वो उगाते हैं, जो यहाँ पशुओं के चारे के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। इसीलिए ये लोग जो हैं वो गर्मियों में लगभग मार्च और अप्रैल के महीने में ये देखा जाता है कि इन पहाड़ी ऊपरी ढलानों पर चले जाते हैं, इन पहाड़ियों के, और अपनी भेड़ों के साथ साथ ये यहाँ पर पशु चारण का कार्य करते हैं, और पशुओं को चराते चराते ये चीन की सीमा तक भी चले जाते हैं। बच्चों, इन लोगों को इस बात का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान होता है, या हम कहें कि अंदाज़ा होता है, कि जब ये पशुओं को चराते चराते चीन की सीमा तक भी पहुंच जाते हैं तब भी उन्हें ये मालूम होता है कि कौन सी पहाड़ी जो है वो भारत की सीमा पर है और कौन सी पहाड़ी जो है वो चीन की सीमा पर है। इस बात का उन्हें बहुत अच्छी तरह से ज्ञान होता है। अब हम देखेंगे कि इन्हें पूरी तरह से जो हिमालय की स्थलाकृति है, यहाँ जो जलवायु होती है, मौसम में जो परिवर्तन होते हैं, और इसके साथ ही साथ यहाँ जो वनस्पतियाँ होती है, इनका भी इन्हें बहुत अच्छी तरह से ज्ञान होता है, और इसीलिए जब ये इन ऊँचे पहाड़ियों पर जाते हैं, ऊँचे ढलानों पर जाते हैं, तो ये पूरी व्यवस्था करके जाते हैं, चाहे वो अपने खाने पीने की वस्तु हो या पूरा, चूँकि वो गर्मी का पूरा मौसम वहाँ पर बिताने वाले होते हैं, इसलिए अपने ज़रूरत या आवश्यकता की सारी वस्तुएं या सामान को वो अपने साथ लेकर जाते हैं। और उन्हें, अभी हमने कहा ना कि उन्हें ये भी पता होता है कि उन्हें मौसम की मार या मौसम में जो परिवर्तन होते हैं वहाँ पर उन ऊँचे ढलानों पर, उनका भी बहुत अच्छे उनको ज्ञान होता है, इसलिए वो पूरी तरह से तैयार होकर चलते हैं कि उन्हें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है। अब हम ये देखें कि लगभग पूरे गर्मी का जो मौसम है, जो वो मार्च अप्रैल में चढ़ते हैं ऊपरी ढलानों पर, वो पूरा गर्मी का मौसम वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि तब तक उनके पशुओं के लिए चारा वहाँ पर उन्हें उपलब्ध हो पाता है। उसके बाद जैसे ही शीत ऋतु का आरंभ होता है, या हम कहें कि गर्मी के मौसम जैसे ही ख़त्म हो गए, तो फिर वो नीचे की तरफ उतरना प्रारंभ कर देते हैं। तो लगभग जुलाई अगस्त में वो नीचे उतरना प्रारंभ कर देते हैं, और हम ये देखेंगे कि नवंबर तक वो अपने घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया ना, पहाड़ी के निचले ढलानों पर, उन घाटियों पर इन जातियों के या इस समुदाय का जो घर होता है, खेत होता है, उनके मतलब उनके घर और खेत उन्हीं निचले ढलानों पर होते हैं, इसलिए ये वापस से नवंबर तक नीचे उतरकर आ जाते हैं। ठंड में हम देखेंगे कि सर्दियों तक वो निचले ढलानों पर आ गए, और ऊपरी ढलानों पर सर्दियों के मौसम में तो बहुत अधिक ठंड पड़ेगी, लेकिन पहाड़ों के निचली ढलानों पर जो है वो अपेक्षाकृत कम सर्दी पड़ती है। तो जब ऊपरी ढलानों पर घास जो है वो समाप्त हो जाते हैं, सर्दियों में उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाते, तो निचली ढलानों पर उन्हें जो है ये घास मिल जाते हैं, और ये अपने पशुओं को अपने घर वापस आकर वहीं पर उन्हें चराने का कार्य जो है वो करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सर्दियों में ये लोग जो हैं ऊन से ऊन को काटने का, और इसके साथ साथ कंबल आदि जो बनाने का कार्य है वो ये करते हैं। हमें मालूम है कि हिमालय में जो रहने वाली जनजातियां हैं वो मौसमी प्रवास करती हैं। मौसमी प्रवास, अभी हमने देखा ना कि जब
गर्मियों के मौसम होते हैं और निचली घाटियों पे बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, तो ये लोग अपने पशुओं के साथ पहाड़ों के ऊपरी ढलानों पर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर गर्मी नहीं होती है और उनके पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध हो जाता है। और जैसे ही सर्दियाँ पड़ती हैं, सर्दियों के मौसम प्रारंभ होने वाले होते हैं, तो ये लोग अपने पशुओं के साथ वापस अपने घर की तरफ निचली ढलानों पर आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर में अब सर्दियाँ बहुत अधिक पड़ती हैं और निचली ढलानों पर हम देखेंगे कि अपेक्षाकृत गर्मी होती है और उन्हें अपने पशुओं के लिए चारा जो है वो यहाँ पर उपलब्ध होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, मौसम, मौसम के अनुसार ये प्रवास कर रहे हैं निचली ढलानों और पहाड़ के ऊपरी ढलानों की तरफ। तो मौसम के अनुसार जो इनका प्रवास होता है, इसे हम मौसमी प्रवास जो है वो कहते हैं, जो हमने ये देखा कि ये जनजातियाँ जो है वो मौसमी प्रवास करती हैं। बच्चों, जो पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र होता है और पश्चिमी हिमालय में जो जनजातियाँ होती हैं, या हम कहें कि वहाँ पर रहने वाला जो समुदाय होता है, वो ऊन और मांस के लिए भेड़ों को वो लोग पालते हैं, या हम कहें कि यही उनका मुख्य व्यवसाय भी होता है। हाँ, अब इसमें हम थोड़ी सी और बात कर लें। हमने मौसमी प्रवास की बात की, तो हम ये देखते हैं कि हिमालय में रहने वाली कौन कौन सी जनजातियाँ जो हैं वो मौसमी प्रवास करती हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं, पहला कुमायूं में भोटिया, और ये भोटिया जनजाति जो है वो भेड़, बकरी और मवेशियों को पालते हैं। इसके बाद कश्मीर में हम बात करें, कश्मीर की बकरवाल जो जनजातियाँ होती हैं ये बकरियों को पालती हैं। फिर जम्मू कश्मीर और हिमाचल, और इसके साथ ही साथ उत्तराखंड में जो गुज्जर जनजाति होती है ये भैंसों को पालती है, भैंस पालन का कार्य करती है। और इसके साथ ही साथ जो दक्षिण पूर्वी लद्दाख है, यहाँ पर चंगपा जनजाति होती है और ये भी जो है वो पशुओं का पालन करती है, पशुपालन का कार्य करती है। और इसके साथ ही साथ मौसमी प्रवास भी ये जनजातियाँ जो है वो करती हैं। बच्चों, अभी हमने भी बात की पशुपालन की, कि एक पहाड़ी गांव में किस प्रकार से पशुपालन का कार्य किया जाता है। अब हम देखेंगे कि हिमालय की ऊंचाइयों पर उद्योग धंधे किस प्रकार के किए जाते हैं। तो इन उद्योग धंधों की स्थिति पर हम बात कर लें। हमें मालूम है कि जो हिमालय की ऊंचाइयों में निकलने वाली नदियां हैं, वह उनका जो सोर्स है, स्रोत जो है वहाँ पर पानी का, वो ग्लेशियर्स होते हैं, बड़े बड़े हिमखंड जो हैं वो होते हैं। तो हम देखेंगे कि जब गर्मियों का मौसम होता है तो ये ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलने लगते हैं। जब बारिश का मौसम होता है तब तो बारिश का जल इन्हें प्राप्त हो जाता है, लेकिन जब गर्मियों के मौसम होते हैं तो इन ग्लेशियर्स के पिघलने से इन्हें पानी का सोर्स मिलता है। और इसीलिए हमें मालूम है कि हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो सदावाहिनी नदियां होती हैं, क्योंकि गर्मियों में भी ये नहीं सूखती ग्लेशियर्स से जल का सोर्स मिलने के कारण। तो हम ये देखते हैं कि हिम पिघलने के कारण जो छोटे बड़े जितने भी नदी नाले हैं, ये पहाड़ी ढलानों पर तेज़ी से इन नदियों का जो पानी गिरता है, इस पानी नदियों के इन पानी का जो उपयोग है वो बिजली उत्पादन में किया जाता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि पहाड़ी ढलानों पर ये जो पहाड़ी नदियाँ निकलती हैं उन्हें तेज़ी से गिराया जाएगा और पन बिजली की जो मशीनें हैं वो भी इसके सहारे यहाँ पर चलाई जाती हैं। अब कौन से खनिज जो हैं वो यहाँ पर मिलते हैं, तो मुख्य रूप से हम देखेंगे हिमालय में चूना पत्थर मिलता है, और यहाँ के जो चूना पत्थर है उसका उपयोग सीमेंट कारखाने में किया जाता है। हमें मालूम है कि सीमेंट कारखाने के लिए प्रमुख कच्चा माल जो है वो चूना पत्थर होता है। तो इस चूना पत्थर के माध्यम से यहाँ पर प्रमुख रूप से जो सीमेंट उद्योग हैं वो लगाए जाते हैं। और हम जहाँ पर भी ये चूना पत्थर की खदानें होती हैं उसके आसपास ही ये कारखाने लगाए जाते हैं, सीमेंट कारखाने, और इसके माध्यम से जो यहाँ पर लोग रहते हैं उन्हें इन चूना पत्थर की खदानों में, और इसके साथ ही साथ जो सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है यहाँ पर भी, इन दोनों ही स्थानों पर इन्हें रोजगार बहुत आसानी से मिल जाता है। अब सीमेंट की उपलब्धता के कारण हम देखेंगे कि यहाँ पर जो पुल, बांध या घर या पन बिजली उत्पादन के जो केंद्र बनाए जाते हैं उनको बनाने में बहुत ही आसानी हो गई है। लेकिन ये काम जो है, जो यहाँ पर चल रहा है चूना पत्थर और चूना पत्थर की खदानें और
उसके माध्यम से, इस कच्चे माल के माध्यम से जो सीमेंट उद्योग का यहाँ पर की स्थापना की गई है या उससे जो उत्पादन का कार्य हो रहा है, वह इसके माध्यम से हिमालय पर्वत की जो का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो पर्यावरण है, उसे बहुत नुकसान पहुँच रहा है, क्योंकि ये कार्य जो है वो वहाँ के पर्यावरण को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है। तो जिसके कारण चूना खदानों से जो जहाँ पर भी ये चूना पत्थर की खदानें खोदी जाती हैं, तो हम देखेंगे उससे वहाँ पर भूस्खलन की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। मलबे का जो है वो जमा हो जाना और उससे जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जा रही हैं। इसके साथ ही साथ ये जो ये तो हो गई खदानों से उत्पन्न समस्या, अब हम देखेंगे कि जो सीमेंट कारखाने यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, तो उस सीमेंट कारखाने से जो धूल उड़ती है ये चारों ओर वहाँ पर के पर्यावरण में फैल जाती है, और यहाँ से उड़ी हुई जो धूल है वो वहाँ के रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पे इसका बहुत अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि वहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं और जो फसल वहाँ पर उगाई जाती है उस पर भी इसका बहुत अधिक नुकसान देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई बात जो खनिज वहाँ पर उपलब्ध है उसके माध्यम से जो उद्योग यहाँ पर चलाए जाते हैं। अब जो यहाँ के परंपरागत उद्योग हैं वो है जो पुराने हस्तशिल्प के जो कार्य किए जाते हैं, जैसे हथकरघों से बने हुए कपड़े, या हम कहें कि कपड़े के साथ 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 शॉल की बुनाई है, उसमें उन कपड़ों में, उन वस्त्रों में जो कशीदाकारी का कार्य किया जाता है, और इसके साथ ही जो लकड़ियों में तराशी हुई सजावटी वस्तुएँ हैं, ये भी यहाँ पर का एक परंपरागत उद्योग है। और जो कागज़ की लुगदी से भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर डिज़ाइनर सामान जो है वो बनाए जाते हैं, ये सभी यहाँ के छोटे छोटे घरेलू उद्योग हैं। अब हम देखेंगे कि जो कारखाने में माल बनता है, इन मालों की बिक्री के कारण ये उद्योग जो हैं अब लगभग समाप्त प्राय हो जा रहे हैं, क्योंकि जो घरेलू उद्योग में हस्तशिल्प के माध्यम से जो कार्य किया जा रहा है वो वहाँ पर लोगों के ही द्वारा परंपरागत रूप में चलाया जा रहा है, तो इससे उत्पादन कम होता है। इसकी अपेक्षा जो मिल या कारखाने में उत्पादन का कार्य किया जाएगा वो बहुत अधिक तेजी से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, तो इन्हें एक कॉम्पिटिशन जो है प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। इससे अब इसका परिणाम ये हो रहा है कि ये घरेलू उद्योग अब लगभग बहुत नुकसान में चल रहे हैं या समाप्त प्राय होने की कगार पर खड़े हैं, तो शासन के द्वारा भी इन्हें बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि ये उद्योग जो हैं वो चालू रखी जाए, ये समाप्त प्राय ना होने पाए। और इसके परिणाम स्वरूप हम देखेंगे कि यहाँ पर जो उत्पादन हो रहा है ये यहाँ से दूर दूर बाज़ारों में भी बेचा जाता है। बच्चों, आप अपने आसपास जो छोटे बड़े एग्जीबिशन लगते हैं हैंडलूम के, उसमें भी आपने देखा होगा। और यहाँ पर जो परंपरागत उद्योग की हमने जो बात की कि हथकरघा या जो हस्तशिल्प वाले जो कार्य हैं जिसमें हमने शॉल या वस्त्र का निर्माण और उनमें कशीदाकारी और भी बहुत सारी जो सजावटी वस्तुओं की हमने बात की जो यहाँ पर निर्मित की जाती हैं, वो आप उस एग्जीबिशन में बहुत इजीली देख पाते होंगे और वो आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित भी जो है वो करते होंगे। तो इसे गवर्नमेंट के द्वारा भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके अलावा हम देखेंगे कि वहाँ पर भरपूर वनस्पतियाँ हैं, मतलब ये प्रकृति ने ही एक उपहार दिया है उन्हें, तो वहाँ पर उन वनस्पतियों से, हम कहें उनके फलों से रस निकालने का कार्य, अचार या मुरब्बा बनाने का काम भी यहाँ पर जो है वो किया जाता है, और ये बहुत अधिक फल फूल रहा है क्योंकि इन्हें बाज़ार में बेचकर बहुत अच्छी मात्रा में आय जो है वो यहाँ पर रहने वाले लोग प्राप्त कर लेते हैं, जो इनके जीविका का एक प्रमुख साधन होता है। हमने हिमालय में कृषि को देखा, पशुपालन की बात की, उद्योग धंधों के बारे में हमने देखा, और पर्यटन। अगर हम पर्यटन की बात करते हैं तो बच्चों, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हिमालय की जो पर्वतीय चोटियां हैं, हिमालय के जो पहाड़ी नगर हैं या वहां पर जो घाटियां स्थित हैं, वो पर्यटन के एक बहुत अच्छे केंद्र हैं। और अभी अब वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हिमालय के जो पर्यटन केंद्र हैं वो बहुत ज़्यादा फल फूल भी रहे हैं,
और इसमें एक हम कह सकते हैं इसको रफ्तार जो पकड़ाई है वो परिवहन के विस्तार ने। पहले परिवहन की उतनी अधिक अच्छी सुविधा नहीं थी, तो उसके कारण हम देखते थे कि हर जगह तक पहुंच पाना संभव नहीं था, तो लोगों को थोड़ा सोचना पड़ता था। अभी पिछले चैप्टर में ही हमने चर्चा की थी कि जैसे वैष्णो देवी, तो पहले वैष्णो देवी या बद्रीनाथ केदारनाथ इन जगहों की यात्रा करनी होती थी, तो जो बुज़ुर्ग लोग या जो असमर्थ हैं वो जाने के लिए उन्हें थोड़ा सा सोचना पड़ता था कि इतनी लंबी चढ़ाई वो कैसे चढ़ पाएंगे। लेकिन अब वहाँ पर इतनी अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे अब इलेक्ट्रिक गाड़ी चल रही है, रोप वे की सुविधा हो गई है, तो हर बुज़ुर्ग या जो चलने में असमर्थ हैं वो भी वहाँ तक यात्रा कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जितने भी ये जो पर्यटन केंद्र हैं वहाँ पर उपलब्ध सुविधाएं, जो नई नई सुविधाएं वहाँ पर लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं, ये वहाँ पर पर्यटन जो उद्योग है या हम कहें कि पर्यटन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा इससे मिल रहा है। तो पर्यटन भी यहाँ पर रहने वाले लोगों के रोज़गार का एक प्रमुख साधन बन गया है, क्योंकि आप सोचिए खुद कि अगर किसी स्थान पर आपके आसपास ही हम यदि कल्पना कर लें कि एक छोटा सा मेला लगता है या कुछ मार्केट लग रहा है या कोई एक धार्मिक आयोजन ही हो रहा है, तो हम क्या देखेंगे? वो भले ही थोड़े दिन के लिए हो रहा हो, लेकिन वहाँ पर जो ऑटो वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, मतलब परिवहन के जो साधन हैं, जो स्टेशन से या किसी भी बस स्टॉप से लोगों को उस स्थान तक पहुँचा रहे हैं, उनको रोज़गार मिल जाता है। छोटे बच्चे भी साथ में आएंगे तो उनके लिए वहाँ पर हम देखेंगे कि छोटा सा मार्केट सज जाता है जहाँ पर खिलौने और खाने पीने की चीज़ें, साथ ही साथ होटल वाला भी व्यवसाय या जो रुकने की व्यवस्था है वो भी व्यवसाय खूब फलता फूलता है, क्योंकि जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं उन्हें रुकने की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी उनके लिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी जो क्षेत्र है यदि वो पर्यटन के पर्यटन में बढ़ रहा है आगे या एक पर्यटन का केंद्र बन रहा है, तो उस पर्यटन स्थान के साथ साथ बहुत सारे लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिल जाता है। तो यहाँ पर पर्यटन उद्योग भी काफ़ी विकसित अवस्था में हो गया है। अब इन सब की हमने बात की हिमालय में मिलने वाले, चाहे पशुपालन, उद्योग धंधे, पर्यटन, किसी भी स्तर पर हमने बात की। इसकी एक गंभीर समस्या हमें देखने को मिल रही है, और वो गंभीर समस्या क्या है? लैंडस्लाइड या भूस्खलन की एक प्रमुख समस्या। हमने पर्यावरण प्रदूषण की तो बात की ही थी, अब हम देख रहे हैं कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की ना कि उद्योग धंधे, जो चूना पत्थर की खदानें हैं, चूना पत्थर खोदा जा रहा है, तो खदानों के माध्यम से हम क्या देखेंगे? जब खदानें वहाँ पर विकसित होती हैं किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में, फिर चाहे वो बांध बनाया जाए, कोई डैम बनाया जाए, तो खुदाई करनी होगी ना। और हम ये देखते हैं कि हिमालय की जो चट्टाने हैं वो अस्थिर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत चट्टाने हम नहीं कहेंगे, ढीली और कमज़ोर चट्टाने हैं वहाँ पर हिमालय की जो चट्टाने हैं। तो अगर हम उसमें खुदाई का कार्य करेंगे या खनन कार्य करेंगे तो वो चट्टानों का जो संगठन है वो और ढीला हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, और उससे चट्टानों के खिसकने की या हम बोलें कि जो लैंडस्लाइड वाली भूस्खलन की समस्या है, ये एक बहुत गंभीर समस्या है। और आए दिन हम समाचार में देखते हैं और सुनते भी हैं कि इस जो हम चाहे बद्रीनाथ की बात करें, केदारनाथ की बात करें, और ऐसे ही पहाड़ी ढलानों पर स्थित जो भी क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, जो नगर हैं, उनमें हम देखेंगे कि आए दिन हमें लैंडस्लाइड की घटनाएं सुनने में आती हैं। और इस भूस्खलन की समस्या के कारण हम देखेंगे कि बड़े बड़े जो चट्टानी टुकड़े हैं वो रास्ते में टूटकर गिर जाते हैं, जिससे आवागमन या परिवहन जो है वो तो बाधित होता ही है। और भी एक गंभीर समस्या होती है कि हम देखते हैं कि इस मलबों, ये जो मलबे गिरते हैं ऊपर से, इन मलबों में गांव के गांव जो हैं मलबों के नीचे दब जाते हैं। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है और इस पर विचार करने योग्य बात भी है। तो बच्चों, हमें एक
प्रयास खुद करना होगा कि ठीक है, जो हिमालय में रहने वाली जनजातियां हैं उनके विकास के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए, उन्हें सामान्य जनजीवन से जोड़ने के लिए, और साथ ही हमें अपने हिमालयीन क्षेत्र के जितने भी नगर गांव हैं उन्हें विकसित करने के प्रयास तो करने ही होंगे, लेकिन साथ में हमें ये ध्यान में रखना होगा कि वहाँ का प्रकृति ने हमें जो इतना सुंदर उपहार दिया है हिमालय का, और ये हमारी एक सुरक्षा ढाल के रूप में भी खड़ा है जो हमारे एक जलवायु को भी एक विशेष परिस्थिति प्रदान करता है, ये सभी को ध्यान में रखते हुए हमें ये कोशिश करनी होगी कि विकास तो करना है लेकिन अपने पर्यावरण को ध्यान में रख कर, वहाँ पर की स्थलाकृति को ध्यान में रख कर, जिससे वहाँ पर की पारिस्थितिकी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुँचे। बच्चों, अभी हमने बात की कि हिमालय के जितने भी क्षेत्र उनके वर्गीकरण की बात की हमने, अब इसी में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय जो है वो जब हमने हिमालय का विभाजन देखा था तो हमने ये बात देखी थी कि नामचा बरवा से होता हुआ एक जो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र ही, हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है वह दक्षिणावर्त हो जाती है, दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, और वो जितनी भी हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं उन पूर्वोत्तर राज्यों तक जाकर फैली हुई है। फिर हम अरुणाचल, असम, नागालैंड, मिजोरम, यहाँ तक ये एक श्रृंखला के रूप में आ गई है। और इस पूर्वी हिमालय में ही हम देखेंगे कि बहुत सारे कबीले भी निवास करते हैं, जैसे नागा है, मिजो है, मिश्मी है, बोडो है और मोनपा, इस प्रकार के कबीले भी हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए हम जानते हैं इन कबीलों के रहन सहन, ये किस प्रकार के आर्थिक जो क्रियाकलाप हैं वो करते हैं। इससे पहले हमें एक चीज़ देखनी होगी, जैसे इस मानचित्र में आप देख ही पा रहे होंगे कि हिमालय पर्वत का जो पूर्वी भाग है ये आपको बंगाल की खाड़ी के बहुत पास मिलता है। एक छोटा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आपको पता है कि पूरे विश्व में सर्वाधिक बारिश कहाँ पर होती है? शायद आपको इसका उत्तर पता होगा, मासिनराम। तो ये जो मासिनराम है ये आपको मालूम होगा कि पूर्वी हिमालय का ही एक हिस्सा है। अभी हमने कहा ना कि पूर्वी हिमालय जो है वो बंगाल की खाड़ी के बहुत पास स्थित है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और जिस स्थान मासिनराम की हम बात कर रहे हैं वो आपके मेघालय के गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी, इसके बीच में पड़ता है, खासी पहाड़ी में स्थित है। और ये जो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं ये एक बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो उठने वाली हवाएं हैं उसमें एक अवरोध का कार्य करती हैं। पूरी हवाएं जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ती है, उनके लिए अवरोध होता है और ये ऊपर की तरफ इन पहाड़ियों के माध्यम से उठकर बारिश करती है और घनघोर बारिश करती है। ये हम अभी कह रहे हैं कि मासिनराम जब यहाँ पर स्थित है तो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला हिस्सा जो है वो यहाँ पर स्थित है। और लगभग हम यदि यहाँ पर बारिश की बात करें तो यहाँ पर औसत वर्षा जो है वो 1187 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ कितनी बारिश होती है? यहाँ पर तो लगभग 100 से 120 सेंटीमीटर तक ही बारिश हो पाती है, जिस छत्तीसगढ़ में या जिस क्षेत्र में आप रहते हैं। हम ये देखेंगे कि ये पूरा क्षेत्र अधिकांश बारिश वाला है। मासिनराम की तो हमने बात की, वहाँ पर 1187 सेंटीमीटर वर्षा, लेकिन इसके अधिकांश भागों में हम देखेंगे कि बारिश जो है वो 300 सेंटीमीटर से अधिक ही होती है, सर्वाधिक वर्षा का ये क्षेत्र है। बच्चों, पूर्वी हिमालय में हमने देखा कि बहुत अधिक बारिश होती है, लगभग 2-3 महीने छोड़कर ही बाकी वर्ष के जितने भी समय होते हैं सभी महीनों में यहाँ वर्षा जो है होती है। मार्च के महीने में जब पूरे भारत में अच्छी गर्मी पड़ रही होती है तब भी यहाँ पर अच्छी बारिश होती है पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। अब हम बात करें, यहाँ पर बारिश जो है वो मई से सितंबर के बीच में बहुत अधिक मूसलाधार बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है। और हम यदि देखें तो सिर्फ दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 ही महीने ऐसे होते हैं जबकि इस क्षेत्र में कम वर्षा होती है और बाकी शेष महीने में बहुत तेज बारिश होती है।
वर्षा के कारण हम देखेंगे कि यहाँ पर गर्मी भी जो है वो बहुत अधिक नहीं पड़ती और लगभग पूरा क्षेत्र जो है वो ठंडा रहता है, इसलिए गर्मियों के मौसम में भी लोग जो है वो यहाँ जाना अधिक पसंद करते हैं। इसके साथ ही साथ देखेंगे कि बारिश तो होती ही है और ठंड के दिनों में कई बार जो है वो हिमपात की भी स्थिति यहाँ पर बनती है। बच्चों, पूरे जो पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है वहाँ पर हमें चूंकि बारिश अधिक हो रही है इसलिए बहुत ज़्यादा घना वनाच्छादन मिलता है, बहुत वनस्पतियाँ और विविध प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यदि इन वनस्पतियों को काटे भी तो ये बहुत तेज़ी से फिर से उगाते हैं। यहाँ पर मिलने वाली प्रमुख वनस्पतियों की बात करें तो मुख्य रूप से मसालों का उत्पादन यहाँ पर अच्छी तरह से होता है, बहुत अच्छी मात्रा में, जिसमें हम देखते हैं बेत है, बड़ी इलायची, दालचीनी और इसके साथ ही साथ बांस के वृक्ष भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन जो है वो देखने को मिलता है। और जितने भी सभी प्रकार के मसाले हैं यहाँ पर प्रमुख रूप से उगते हैं। बच्चों, पूर्वी हिमालय में बहुत अधिक बारिश होने के कारण जो कृषि करना है यहाँ पर एक कठिन कार्य होता है, क्योंकि अभी हमने बात की थी ना कि हिमालय की जितनी भी चट्टाने हैं, जो मिट्टियाँ हैं वहाँ पर की, वो बहुत कमज़ोर और ढीली संगठन वाली होती हैं। तो इसी कारण जो खेत बनाना यहाँ पर एक मुश्किल कार्य है, क्योंकि जब बहुत तेज बारिश होती है तो ढलानों पर स्थित जो खेत हैं वहाँ पर की मिट्टियाँ जो हैं वो बहुत तेज़ी से बारिश के तेज पानी के साथ बह जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है। तो इसके कारण यहाँ पर रहने वाले लोगों ने एक खेती का, हम कहें कि दूसरा एक उपाय ढूंढा, जिससे कि मिट्टी का कटाव जो है वो बहुत ज़्यादा ना होने पाए। तो ये लोग पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ी नुमा या सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि कार्य करते हैं। ये सीढ़ी नुमा या सीढ़ीदार खेत के अलावा भी यहाँ पर रहने वाले लोगों ने, समुदाय ने कृषि का एक नया तरीका ढूंढा है, या हम कहें कि दूसरा तरीका ढूंढा है, जिसे हम कि झूम खेती कहते हैं। तो आइए अभी हम बात करते हैं यहाँ पर रहने वाले लोग जो झूम खेती करते हैं, इसी संदर्भ में अरुणाचल प्रदेश की एक छोटी सी बस्ती यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो झूम खेती कैसे करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो घर पहले तो झूम खेती करते हैं, और इस जो छोटी बस्ती की हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर घर जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं या कैसे घर यहाँ पर होते हैं। तो एक चित्र के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि इस बस्ती में या इस पूरे क्षेत्र में किस प्रकार के घर होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बांस के खंभों पर चबूतरा बनाया गया है और इस चबूतरे के ऊपर एक लंबा सा बरामदा और एक लंबा कमरा बनाकर ये लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं। ऐसा लगता है कि मानो बांस के खंभे पर ही इनके घर जो हैं वो टिके हुए हैं। तो ऐसा क्यों? घर तो घरों की संख्या कम होती है, छोटे आकार के, हमने कहा ना कि एक बरामदा और एक लंबा सा कमरा, ये छोटा सा इनका घर होता है और लगभग 20-30 घर ही यहाँ पर मिलते हैं। तो इस छोटी सी बस्ती के बारे में हम समझते हैं कि ये जो बांस के खंभे पर टिका हुआ मकान है, घर है, ये ऐसा क्यों बनाया जाता है। चूँकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा घना वनस्पति आवरण होता है तो नीचे यदि ज़मीन पर घर बनाए जाएंगे तो यहाँ पर जो विषैले कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े या हम कहें कि सांप, बिच्छू, इस टाइप के जो कीड़े होते हैं, और नमी भी जो है वो यहाँ पर की ज़मीन में बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बारिश भी यहाँ पर बहुत अधिक होती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये लोग जो हैं ये बांस के खंभों पे इनका जो घर है वो टिका हुआ होता है, ताकि ये सारी चीज़ों से ये अपनी सुरक्षा कर पाएं। झूम कृषि स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, यह कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले जंगल के वृक्षों और वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरण जैसे कि लकड़ी के हल आदि के द्वारा जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं और
जो वनस्पतियां जलाकर साफ की जाती हैं, उसमें से ठूठ को छोड़ दिया जाता है, जिससे कि वहां पर भूमि का कटाव ना होने पाए। और जो जलाकर साफ की गई वनस्पति है, वो जब बारिश का पानी उसमें पड़ता है तो उसके साथ वो घुलकर उस जमीन में मिल जाती है, जो एक खाद या उर्वरक का काम करती है। कुछ वर्षों तक, जैसे कि 2 से 3 वर्ष और प्रायः 5 वर्ष तक की, जब तक कि मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है, उस भूमि पर खेती की जाती है। और इसके बाद इस भूमि को परती छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उस भूमि पर फिर से पेड़ पौधे और वनस्पतियां उगाती हैं। अब कहीं दूसरी जगह, किसी दूसरे जंगली क्षेत्र की भूमि को साफ करके कृषि के लिए नई भूमि प्राप्त की जाती है और उस पर भी कुछ ही वर्ष तक खेती की जाती है। और इस खेती करने के पहले, जैसे पहले वाली भूमि पर जो प्रोसेस किया गया था कि जंगलों को काटना, उसके बाद उसे जलाकर साफ कर देना, फिर खेती करना, इसी प्रक्रिया से यहाँ पर खेती की जाएगी। एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह एक स्थानांतरणशील कृषि होती है, जिसमें थोड़े थोड़े समय के अंतर पर खेत बदलते रहते हैं। भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों के द्वारा की जाने वाली जो कृषि है, वो इसी प्रकार की झूम कृषि होती है। इस प्रकार की स्थानांतरणशील कृषि को श्रीलंका में चेना, हिंदेशिया में लदांग, रोडेशिया में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। इस झूम खेती की कुछ समस्याएं भी हैं। झूम के कारण जो क्षेत्र के बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उनका बहुत नुकसान होता है, क्योंकि इससे जंगल जो है वो बहुत तेजी से कटने लगते हैं। तो इससे जंगलों में कमी आ रही है, वन क्षेत्र में लगातार कमी होती जा रही है। और बहुत दिन तक खेतों को छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ दिन तक जो खेत छोड़े जाते हैं परती रूप में, लगभग 3 से 4 साल में, तो उस जमीन पर फिर से झूम खेती करने से पैदावार या उत्पादन भी कम होता है। तो झूम खेती का एक ऑप्शन है कि इस समस्या से बचने के लिए अब सीढ़ी नुमा खेत के द्वारा जो है वो खेती की जा रही है, लेकिन सीढ़ी नुमा खेत बनाकर खेती करना भी आसान काम नहीं होता। अब हम देखते हैं कि हमने अभी कहा कि झूम खेती है ना, ये लोग सीढ़ी नुमा खेत बनाकर तो खेती करते ही हैं, इसके साथ ही साथ कृषि का एक नया तरीका झूम खेती ये अपनाकर यहाँ पर कृषि कार्य करते हैं। तो आइए जानते हैं इसी बस्ती में जो कृषि कार्य किया जाता है झूम खेती, वो कैसे करते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं, इस छोटी सी बस्ती में एक मिजो कुनबे के लोग रहते हैं। ये एक ही समुदाय के होते हैं और सभी लोग एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं, लेकिन फिर भी इनका एक अपना अलग अलग घर होता है। अब ये इन्होंने ये तय किया कि हमें कृषि कार्य करना है, तो ये खेत बनाने के लिए निकले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये क्या कार्य करते हैं। दिसंबर का महीना है और बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बारिश हमने भी कहा ना, दिसंबर जनवरी और फरवरी इन 3 महीनों में कम बारिश होती है, तो बारिश यहाँ पर बहुत कम होती है और ठंड के महीने में तो यहाँ पर पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि बरसात का जो पानी है वो तेज ढलान के सहारे नीचे की तरफ चला जाता है, ऊपरी भाग में जो है वो पानी की कमी देखने को मिलती है। पीने का पानी भी इन्हें जो गहरी घाटियां होती हैं, उन गहरी घाटियों में उतरकर वहां पर जो छोटे छोटे सोते या नाले बहते हैं, उनसे पीने का पानी भी इन्हें इकट्ठा करके लाना पड़ता है। मिजो कुनबे का ये जो गांव है, जो हम अरुणाचल प्रदेश में बात कर रहे हैं, उसकी एक छोटी सी बस्ती की हमने बात की, जिसमें मिजो कुनबे के लोग रहते हैं, या मिजो समुदाय के लोग। तो ये लोग, ये गांव जहां पर है वहां पर पहाड़ी और आसपास की जो 2-3 पहाड़ियां हैं, ये इन पहाड़ियों में इसी कुनबे के लोग रहते हैं, और यही पहाड़ी ढलान पर इनके जो खेत हैं वो भी होते हैं। यहाँ का जो जंगल होता है, यहाँ पर जितना भी वनस्पति आवरण मिल रहा है, जो वन आवरण मिल रहा है, वो इनका होता है। यहाँ दूसरे कुनबे के लोग आकर खेती कार्य
नहीं कर सकते। सारी जमीन जो है वो इसी कुनबे की होती है और कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि ये जमीन उसकी है या ये जंगल उसका है। हर साल दिसंबर के महीने में हम देखेंगे कि ये लोग इन पहाड़ियों पर किसी एक जगह खेत बनाते हैं। तो पिछले साल जो उन्होंने दिसंबर में खेत बनाया था उसका क्या, तो वो पिछला जो खेत होता है उसे वो ऐसे ही पड़ती छोड़ देते हैं ताकि उसमें फिर से वनस्पति उगाए, वनस्पति का आवरण हो जाए या जंगल जो है वो बन जाए। उस जमीन पर फिर वो 7-8 वर्षों तक लगातार किसी भी प्रकार से कोई कृषि कार्य नहीं करते और वहाँ पर जो बांस और झाड़ियाँ हैं वो दूसरे पेड़ जो हैं वो उगाते हैं इन 7-8 वर्षों में, और 7-8 साल के बाद वो फिर से वहीं पर जाते हैं और उन झाड़ियों को अपने प्रोसेस के द्वारा, जो हमने झूम खेती की बात की, उस प्रक्रिया के द्वारा वहाँ पर वो फिर से खेती करते हैं। अब हर वर्ष की भांति इस बार भी ये चर्चा हुई कि खेत बनाना है, तो इस वर्ष के लिए भी खेत बनाने के लिए ये दिसंबर के महीने में निकलते हैं और ये तय किया जाता है कि किस पहाड़ी ढलान पर खेत जो है वो बनानी है। खेत बनाने के लिए इस समुदाय के सारे लोग जो हैं वो साथ मिलकर चलते हैं और एक परिवार के जितने भी पुरुष सदस्य हैं वो सभी एक साथ मिलजुल कर जिस पहाड़ी ढलान पर निश्चित हुआ है कि यहाँ पर खेत का निर्माण करना है, वहाँ पर के पूरे जंगल को साफ करते हैं, काट देते हैं वहाँ पर की पूरी वनस्पतियों को। ये अलग से कोई मजदूर नहीं लगाते, ये सारे कुनबे के जो सदस्य के लोग हैं ये सारे लोग मिलकर हर परिवार के लिए खुद ही मिलजुल कर खेत जो है वो तैयार करते हैं। मतलब वनस्पतियों को काटने का कार्य वहाँ पर के जो पुरुष वर्ग के लोग हैं वो करते हैं। अब पूरे वनस्पतियों को काट दिया जाता है लेकिन ये ध्यान रखा जाता है कि उसकी जो ठूठ है, आखिरी की जो बची हुई ठूठ है या जो जड़ें हैं उनको छोड़ दिया जाता है, वहाँ जड़ से उन वनस्पतियों को नहीं काटा जाता। इसके बाद कुछ समय के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है ऐसे ही, और कुछ समय के बाद वो जो वनस्पतियाँ या हम जो बोल रहे हैं कि बची हुई ठूठ और जो जड़ें हैं वो भी सूख जाती हैं वनस्पतियों के साथ। फिर लगभग बारिश शुरू होने के पहले उन वनस्पतियों को जला दिया जाता है, सूखी हुई वनस्पतियों को, और जला हुआ जब वनस्पतियों को जलाया जाता है तो उससे जो बचे हुए राख हैं वो पूरी धरती पर, पूरे धरातल पर फैल जाते हैं। अब उस बची हुई राख को वैसे ही रहने दिया जाता है और उसके बाद एक दो बारिश में वो पूरी तरह से धुल जाती है और कुछ जो है वो उसी मिट्टी में समाहित हो जाती है। फिर वो जो सिर्फ वहाँ पर उस खेत में या उस ज़मीन में जो है वो बची हुई ठूठ और जड़ें ही जो हैं वो रह जाती हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो किसी भी प्रकार से हल का इस्तेमाल वहाँ पर की ज़मीन में नहीं करते, क्योंकि जब वो हल का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर की मिट्टी का जो है वो कटाव होने लगेगा। इसलिए ये निश्चित किया जाता है कि किसी भी प्रकार से हल नहीं चलाया जाएगा। और अप्रैल का महीना होता है, हल्की बारिश होती है, उसके बाद मई से जो है वो बहुत मूसलाधार बारिश या घनघोर बारिश जो है यहाँ पर शुरू हो जाती है, और इससे पहले, इस मई की बारिश से पहले यहाँ पर बुआई का कार्य कर देते हैं। इसके लिए जो मिट्टी में छोटे छोटे छेद किए जाते हैं और इन छेद में ही जो है वो बीज को डाल दिया जाता है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि इसमें हल चलाने का कार्य यहाँ की मिट्टी में नहीं किया जाता। फिर परिवार के सभी लोग जो हैं वो महिलाएं या पुरुष सदस्य जो हैं वो बीज और हाथ में कुदाल लिए घूमते हैं उस खेत में और हल्का जो कुदाल के माध्यम से मिट्टी में छेद बनाकर बीज डाल देते हैं और उसके बाद उसे मिट्टी से ढक देते हैं। फिर मई से यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है, उसके बाद खेतों में कुछ समय के बाद देखा जाता है कि फसलें जो हैं वो तेज़ी से उगने लगती हैं और इन फसलों के साथ ही साथ खरपतवार भी यहाँ पर उग जाते हैं। यहाँ पर उगने वाली जो खरपतवार है ये यहाँ की बहुत एक गंभीर समस्या हम कह सकते हैं, जिसे साफ करना पड़ता है इन्हें। इसके बाद इन फसलों में ये लोग अलग अलग खेत में अलग अलग फसलें नहीं उगाते, एक ही खेत में सभी प्रकार की जो फसलें हैं वो उगा दी जाती हैं, फिर चाहे वो धान है, मक्का है, ज्वार है,
प्याज, कपास, तिल, सेम, ये सभी प्रकार की जो फसलें हैं वो एक ही खेत में उगा दी जाती हैं। और लगभग अगस्त से दिसंबर के बीच में हम देखेंगे कि फसलें जो हैं वो पकने लगती हैं और उनकी कटाई का कार्य शुरू हो जाता है। जैसे जैसे फसलें पकती जाती हैं उनकी कटाई होने लगती है। झूम खेती में हम देखेंगे कि साल में एक बार तरह तरह की फसलें उगाने के अलावा भी लोगों का वहाँ का जो कार्य है वो जंगल के फल या कंद बटोरने का कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य होता है वहाँ पर, जिसमें वहाँ की ये कार्य जो है वहाँ की महिलाएं ही करती हैं। और आमतौर पर हम देखेंगे कि झूम खेत बनाते समय फलदार जो पेड़ होते हैं उनको नहीं काटा जाता, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि उन्हें फलों का उपयोग, उसमें जो लगने वाले फल हैं उनका उपयोग हो सके। यहाँ के पुरुष जो हैं वो जंगल का शिकार करते हैं, शिकार से जो मिला हुआ मांस है वो उनके भोजन का एक मुख्य अंग होता है। और आजकल हम देखेंगे कि जंगल में जानवर जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, इसलिए शिकार पर भी अब कई प्रकार से पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। जब इसका व्यवसायीकरण हो गया है तब ये समस्या उत्पन्न हो रही है, नहीं तो इन समुदायों के द्वारा या कुछ जनजातियों के द्वारा जो शिकार कार्य किया जाता था वो तो सिर्फ उनके जीवन निर्वाह के लिए ही किया जाता था। पूर्वी हिमालय में मुख्य रूप से जो है वो चावल, सब्जियां, मांस या फल जो हैं वो खाए जाते हैं। यहाँ के लोग अपने भोजन में अधिकांश चीज़ें जो हैं वो झूम खेती या घर के बाहर जो है बाड़े जो यहाँ पर होते हैं उनमें ही उगा लेते हैं उस फसलों को या फलों को। जंगल से शिकार के द्वारा भी इन्हें फल और मांस की प्राप्ति हो जाती है। तेल, शक्कर और नमक की ही कमी होती है जिसे ये बाहर से खरीद कर लाते हैं, इसलिए ये बहुत महंगी भी होती है और कम मात्रा में खाई जाती है। यहाँ के जानवरों में हम देखेंगे तो मुख्य रूप से भैंसे जो हैं वो पाली जाती हैं। तो हमने देखा ये झूम खेती क्या होती है बच्चों, लेकिन इस झूम खेती की भी बहुत समस्याएं हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि हर साल जो है वो नया जंगल, एक जंगल का एक जो जगह है उसे खेत बनाने के लिए जलाकर साफ कर दिया जाता है। तो आजकल बढ़ती हुई लकड़ी की मांग एक तो अलग फैक्टर हो गया, लेकिन जब हम हर बार वनस्पति आवरण को, एक बहुत बड़े क्षेत्र में वनस्पति आवरण को जलाकर साफ कर दे रहे हैं तो इससे हम बहुत अधिक मात्रा में अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ यदि वहाँ पर हम जनजाति क्षेत्र की बात करेंगे तो वहाँ पर लकड़ी की भी कमी होती जा रही है और अब झूम खेती के लिए भी पर्याप्त रूप में जंगल नहीं बचे हैं। जहाँ 20 साल तक खेती के लिए जो जंगल है या जो जमीन साफ की जाती थी उसे परती छोड़ दिया जाता था, वहाँ पर अब सिर्फ 4 या 5 साल के लिए ही वो लोग जो हैं उन्हें परती रूप में छोड़ पाते हैं, क्योंकि अब जमीन की कमी हो गई है, जंगलों की कमी हो गई है। और इसके कारण हम देखेंगे कि वनस्पति आवरण तो खराब होता ही है, जंगल तो खराब होता ही है, और 3-4 साल में ही फिर से वहाँ पर झूम खेती करने से बहुत अच्छी मात्रा में वनस्पतियां नहीं उग पाती, जिससे ये पर्यावरण को बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचा रही है। इसीलिए अब कुछ लोगों का ये मानना है कि जो झूम खेती है वो बंद की जाए और इसकी जगह पर जो है सीढ़ीदार खेत या सीढ़ीनुमा खेत बनाकर लोगों को वहाँ पर कृषि कार्य करना चाहिए। लेकिन सीढ़ीनुमा खेत बनाने में एक तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है और खर्चीला भी है। इसके साथ ही साथ ये देखेंगे कि सीढ़ीदार खेत बनाकर जो कृषि कार्य करने से या सीढ़ीनुमा खेत बनाने से जो उसकी ऊपरी परत है, मिट्टी की ऊपरी परत, वो तेज़ बारिश से बह जाती है और पिछले मतलब शुरुआती जो कुछ समय है, कुछ साल होते हैं, उनमें हम देखेंगे कि कृषि की बहुत अच्छी पैदावार नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पर जंगलों के कम होने से पारिस्थितिकी का संतुलन बिगड़ रहा है, इसलिए इसका सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि यहाँ पर सीढ़ीनुमा खेत बना जाए, बनाकर कृषि कार्य किया जाए, जिससे यहाँ पर जंगलों को भी बचाया जा सकता है और यहाँ के लोग का जो विकास भी है या इनके जीविका का निर्वाह भी हो सके। बच्चों, अब हम बात करते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में लोगों का विकास जो है वो कैसे होता है या कैसे किया जाए।
तो भारत के पूर्वी हिमालय में एक ऐसा कानून बनाया गया है जिसके तहत बाहर का कोई भी व्यक्ति जो है वो सरकार की बिना अनुमति के वहाँ पर आ जा नहीं सकता है। साथ ही जमीन आदि खरीदने के लिए भी वहाँ पर सरकार के द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की गई है। ये तो बहुत दूर की बात है कि वहाँ पर लोग कोई बाहरी व्यक्ति जो है वो जमीन खरीद पाए। इससे यहाँ के जमीन जंगल आदि जो हैं वहाँ पर बाहरी लोगों के कब्जे से इसे दूर रखा गया है। यहाँ जो मिलने वाले कबीले हैं या जो समुदाय यहाँ पर निवास करते हैं वो वहाँ पर स्वतंत्र रूप से विकास कर पाए, इसीलिए ये कानून जो है वो बनाया गया है। इस विकास में जो आधुनिक शिक्षा का विस्तार है उसका बहुत बड़ा योगदान है। अब यहाँ जो रहने वाले आदिवासी युवक और युवतियाँ हैं वो भी अब इस आधुनिक शिक्षा के माध्यम से बहुत ऊँचे पदों पर पहुँच गए हैं और भारत के जो विभिन्न राज्य हैं वहाँ पर ये अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है बड़े उद्योग या व्यापारिक खेती बहुत अधिक मात्रा में नहीं की जाती है, इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर लोगों के जीविका के साधन जो है वो बहुत ही सीमित मात्रा में हैं और लोगों को रोजगार भी बहुत कम मिल पाता है। किसान जो है वो अपनी फसल का बहुत छोटा भाग ही बेचते हैं, इसलिए उनके पास दूसरी बहुत सी चीज़ें खरीदने के लिए भी आय नहीं होती है या पैसे नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर के विकास का एक जो हम प्रमुख योगदान कह सकते हैं वो यहाँ मिलने वाले जो चाय के बागान हैं उनका है। बच्चों, हम सभी अपने अपने घरों में देखते हैं कि यहाँ पर चाहे वो भारतीय शहर हो या गांव हो, वहाँ पर सुबह उठते ही चाय की एक चुस्की जो है वो लोगों को लेना बहुत पसंद है, या हम कहें कि वो हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है कि हम सुबह सोकर उठें और हमें चाय की एक प्याली जो है वो मिल जाए। तो क्या आपको पता है कि हमारे भारत में ये जो चाय मिलता है उसका अधिकांश हिस्सा कहाँ से आता है? तो ये जो चाय है, हमारा देश भारत जो है इसका जो पूरा उत्तर पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर चाय के बागान जो है वो लगाए गए हैं। इसमें अधिकतर चाय जो है वो पूर्वी हिमालय से ही आता है और उसमें भी असम राज्य की सहभागिता जो है वो इसमें सर्वाधिक है। असम राज्य की जो निचली पहाड़ियां हैं वहाँ पर चाय के बड़े बड़े बागान लगाए गए हैं। चाय के जो पौधे होते हैं, बागान में जो पौधे उगते हैं उनकी नई पत्तियों को तोड़कर सुखाया जाता है, फिर उसे मशीन से मसल कर काट कर सुखा कर जो है वो चाय की पत्तियाँ तैयार की जाती हैं, चाय का पाउडर जो है वो बनाया जाता है। और चाय जो है वो यहाँ की प्रमुख व्यापारिक फसल है और यहाँ पर रहने वाले लोगों के आय और रोजगार का भी एक प्रमुख साधन है।